दिलीप भाऊ आपका इनके खिलाफ था। जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन ऐसा लिया था कि वो नोटरी जो है वो नोटरी डिफेक्टिव है, पहला ये ऑब्जेक्शन था। फैक्ट सप्रेस किया तो दोपहर को वहाँ पर पहले हियरिंग हुआ, उन लोगों ने जो आशीष जी देशमुख साहब है, प्रशांत पवार साहब है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो तीन लोगों के तरफ से उन्होंने वकील लगा के उन्होंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया और आर्गुमेंट हुआ। उसके बाद माननीय आर ओ ने 4 बजे तक सुनवाई तहकुब किया और उन्होंने बोला कि 4 बजे सुनवाई लेंगे। हम अभी 4 बजे उनके सामने प्रस्तुत हुए, हमने उनको बताया कि ये ऑब्जेक्शन जो है वो माइनर ऑब्जेक्शन है, ये जो नोटरी का है वो इसमें कोई दम नहीं, नोटरी का एकदम वैलिड और परफेक्ट नोटराइज किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके समर्थनार्थ हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी जोड़े हैं और वो जो बोल रहे हैं कि मटेरियल कुछ फैक्ट्स हमने सप्रेस किया, तो ऐसी कोई फैक्ट हमने सप्रेस नहीं किया है। जो सब डॉक्यूमेंट है, जो नोट यूज सर्टिफिकेट है, वो पूरे फॉर्म के साथ जिस वक्त देवेंद्र जी ने फॉर्म भरा उसी वक्त वो सब लगाए थे। तो ये केवल ये लीगली देखा जाए तो ये कोई ऑब्जेक्शन सस्टेन होता नहीं, ऐसा हमारा बोलना था। हमने आर ओ साहब के सामने हमारा पक्ष रखा, अब आर ओ साहब आर्गुमेंट दोनों के सुनने के बाद ऑर्डर पास कर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है उसमें कि जो एक्सपायरी डेट है नोटरी की वो 2018 है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब एक्सपायर हो गया डॉक्यूमेंट तो आपने कैसे उसको नोटरी करके प्रोड्यूस किया। उनका उनकी टर्म 28/12/2000 को एक्सपायर हो गई थी, 29/12/2018 को एक दिन के बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से उनका एक्सटेंशन नोटरी की टर्म की 5 साल के लिए हुई है, ऐसा डॉक्यूमेंट और उनको लेटर आया हुआ है। हमने ये देवेंद्र जी का नोटराइज किया था 3/10/2019 को, उस वक्त उनकी नोटरी की टर्म वैलिड थी और वो नोटरी थे। अब वो स्टैम्प जो है वो पुराना स्टैम्प होगा, उसका उससे वो डॉक्यूमेंट। ये गलती मान रहे हैं कि 2018 गलती स्टैम्प लगा है, ये गलती मान रहे हैं आप? अब वो नोटरी ने उस वक्त डाल दिया होगा गलती से, पर ये कोई उसके कारण डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता नहीं। कायदा ये बोल रहा है कि नोटरी के सामने हमने नोटरी के रजिस्टर में सही करके नोटरी के सामने हमने अपना शपथ पत्र सही करने को ना वो हमने किया, और उनकी जो टर्म थी वो 2023 तक है, और जब उन्होंने नोटराइज किया डॉक्यूमेंट तो वो एट दैट टाइम ही वाज नोटरी, हिज टर्म वाज नॉट एक्सपायर्ड। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि एनओसी नहीं दिया गया है, सब की एनओसी के डॉक्यूमेंट हमने साथ में लगाए हुए हैं, आपके पास फॉर्म होगा वो नेट पे भी आया होगा, हर छोटी छोटी चीज के एनओसी देवेंद्र जी ने फॉर्म भरते वक्त ही साथ में लगाए। निर्णय कब तक आप अभी आज देते हैं ऐसा बोला है उन्होंने निर्णय। आप पूरा नाम बता दीजिए आपका। एडवोकेट उदय डब्ल्यू।